अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मेरे चैनल के नाज़रीन। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना नया जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे। गूगल सर्च करने के बाद हम गूगल में लिखेंगे क्रिएट गूगल अकाउंट। तो ये अब हमने लिख दिया। अब ये आया, अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट योर गूगल अकाउंट। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला फॉर्म आएगा। आपको ये फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आपका नाम मांग रहा है, नेम। सो मेरा नेम, मैं अपनी आईडी बना रहा हूँ तो मैं अपना नाम दूंगा, आप अपना देंगे। यहाँ पर मैंने अपना नाम दिया और यहाँ पर लास्ट नेम भी मांगता है, तो यहाँ पर लास्ट नेम आपका जो भी हो आप दे सकते हैं। मेरा नाम साकी खान है, मैंने अपना लास्ट वाला खान दिया है, तो आप ने भी आप अपना कोई भी दे सकते हैं जो आपका नाम हो। सो यहाँ पर आपने जीमेल बनानी है, यानी वो जीमेल जो आप कहीं भी आप अपनी जीमेल सर्च कर सकें, आप इसको अच्छी तरह से याद रख सकें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपनी जीमेल बनाएंगे। सो मेरा नाम साकी है तो मैं अपने नाम की बनाऊंगा। सो यहाँ से आगे हम अपना नंबर भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, या कोई और भी कोई भी चीज़ आगे इसके साथ ऐड कर सकते हैं, अपनी कास्ट ऐड कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो हमें अच्छी तरह से याद रहे, हम भूल ना पाएँ। सो ये अब जब भी मैं अपनी जीमेल अकाउंट कहीं भी सर्च करूँगा तो मैं अपना ये जीमेल ये टोटल यही वाला सर्च करूँगा, साकी 9417797। सो ये मेरा जीमेल है। सो अब हम यहाँ पर पासवर्ड देंगे। पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग देना है, कोई भी पासवर्ड आप दे सकते हैं। जैसा कि अब मैं एक पासवर्ड दूंगा, अब यहाँ पर मैंने एक पासवर्ड दिया और पासवर्ड के सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पासवर्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग। सो यानी कि मेरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पर ये एक मतलब फिर कंफर्म योर पासवर्ड, ये कंफर्मेशन मांग रहा है, तो हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड वंस दोबारा देना है। सो यहाँ हम पर अपना पासवर्ड दोबारा देंगे। पासवर्ड दोबारा देंगे। पासवर्ड देने के बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर मांग रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ। सो यहाँ आपने कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपने ईयर डालना है, ईयर कोई भी हो आपका। डालने के बाद आप वो यहाँ पूछ रहा है आप मेल हैं, जी मेल हैं, आई मेल हैं या फीमेल हैं। सो यहाँ अगर आप मेल हैं तो मेल करेंगे, फीमेल हैं तो फीमेल करेंगे। और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर आपका जो भी होगा आप देंगे, जैसा कि मेरा मोबाइल नंबर है। सो ये मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया। सो यहाँ पर ये अभी मांग रहा है योर करंट ईमेल एड्रेस, यानी कि जो आपका मौजूदा ईमेल हो आपके किसी भी दोस्त का, या आपका अपना कोई भी पहले जो हो वो आपने यहाँ पर देना है। सो मैं अपने दोस्त का दूंगा। ये मेरे दोस्त का जीमेल है जो मैंने यहाँ पर दिया है, क्योंकि वो मांग रहा है यहाँ पर, तो हमें इसको देना है। ये देने के बाद नीचे कंट्री मांगेगा, कंट्री आपकी जो भी होगी आप वो डालेंगे। हमारी पाकिस्तान है तो ये ऑलरेडी पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट सेटअप कर देना है। नेक्स्ट सेटअप करने के बाद अब ये यहाँ पर नीचे एग्री वाला है ऑप्शन, यहाँ पर आई एग्री, एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपका यहाँ पर आपसे वेरीफाई योर अकाउंट। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, या आप वो वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको अपना मैसेज के ज़रिए पासवर्ड देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपको वॉइस कॉल के ज़रिए आप अपना पासवर्ड चेक करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मैं मैसेज के ज़रिए पासवर्ड देखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और इधर मैंने अपना नंबर पुट किया है। उसके बाद अब मैं इधर इंटर करूँगा और अब मेरे मोबाइल पर इसका मैसेज आएगा जिसमें इसका कन्फर्म वेरीफाई अकाउंट होगा। तो मेरे पास वेरीफाई अकाउंट नंबर मोबाइल पर आ गया, जो मैं भी यहाँ पर इंटर करूँगा 2727736। सो यहाँ पर मैंने अपना वेरीफाई
कोड दे दिया है, तो अब मैं अपना वेरीफाई अकाउंट करूँगा। सो ये देखो भाई, मेरा अपना अकाउंट, न्यू अकाउंट खुल गया है। सो ये सामने वेलकम लिखा हुआ है और गूगल वाले मुझे बता रहे हैं कि आपका अकाउंट खुल चुका है, आप अब इसे कहीं भी किसी वक्त भी किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको कंटिन्यू भी करना है, कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये आपका अकाउंट खुल चुका है और यहाँ पर आप अपना पिक्चर भी लगा सकते हैं। पिक्चर लगाने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है माय अकाउंट। सो माय अकाउंट अगर, और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपना सेल्फ पिक्चर भी लगा सकेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर मोबाइल फाइल खुलेगी, यहाँ से आप अपना पिक्चर जो अपलोड करके अपनी आईडी पर लगा सकते हैं। यहाँ से आप अपना कोई भी पिक्चर अपने लगा सकते हैं अपनी आईडी पर। अब मैं अपना पिक्चर लगाऊंगा अपनी आईडी पर। यहाँ से हम अपने पिक्चर को क्लिक करेंगे और ओपन पर दबाएंगे और हमारा पिक्चर यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। सो ये पिक्चर अब अपलोड हो चुकी है। अब आप इधर इसको सेटिंग भी कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर अपनी पिक्चर को सही डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पर हम करेंगे सेट एज प्रोफाइल फ़ोटो, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोटो हमारे प्रोफाइल पर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका प्रोफाइल फ़ोटो लग चुका है, तो अब हम इसे बंद करेंगे। ये हमारा अकाउंट खुल चुका है। सो नाज़रीन, आज हमने आपको बताया कि आप अपना न्यू जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। सो आज हमने आपको बनाकर दिखाया। सो आई होप दैट आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप और भी हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।